Hey guys, welcome to Swati Art Studio. This is me, Swati. तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये पेंटिंग कैसे क्रिएट करी. अब देखने में ये पेंटिंग काफ़ी सिंपल लग रही है, एज इन थोड़े से कर्व लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको मैंने आपस में इंटरमिक्स किया है एंड उसके बाद ये पेंटिंग बनाई है. हाउएवर, एक्चुअली में ये पेंटिंग बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा. मुझे आई थिंक पूरे 2 दिन लग गए, एंड स्पेशली जो आखिरी की डिटेलिंग होती है एंड यू नो थोड़ा रिफाइन करना होता है पेंटिंग को, उसमें काफ़ी टाइम मुझे लग गया. सो आई एम गोइंग टू शो यू कि पूरा प्रोसेस कैसे मैंने किया, क्या क्या मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ करी है इस पेंटिंग को बनाने के लिए. ऑल्सो आपने प्रॉबेबली नोटिस नहीं किया है, बट देयर इज़ अ कलर स्कीम इन दिस पिक्चर जिसकी वजह से ये अच्छी लग रही है. मैंने रैंडम कलर्स नहीं इसमें पेंट किए हैं. सो मैं उस जो कलर स्कीम है उसके बारे में भी आपको लेटर इन द वीडियो बताऊंगी. सो या चलिए इस पेंटिंग को बनाते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की. एंड अपनी पेंटिंग को मैंने लाइटली ड्रॉ किया है, जो भी शेप्स हैं, लाइंस हैं, कर्व्स हैं, उनको मैंने पहले ड्रॉ किया है. उसके लिए मैंने यूज़ किया एक बहुत ही सिंपल कॉम्पोजिशन का जो रूल होता है. मैंने कैनवस को हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसके बाद मैंने जो अपना फोकल पॉइंट रखा है वो मैंने रखा है अपने लेफ्ट हैंड के जो नीचे वाला कॉर्नर बनेगा ग्रिड लाइंस पे, वहाँ पर मैंने अपना फोकल पॉइंट रखा है. हालांकि इतना प्रोमिनेंट नहीं है तो उसको मैंने वहाँ रखा है. बाकी मैंने जिस तरह से लग रहा था कि अच्छा लगेगा शेप्स वगैरह इंटरट्वाइन होते हुए, वो कैसे अच्छा लगेगा वो भी मैंने सोच के वो कॉम्पोजिशन करी है. तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये है. तो चलिए लेट्स सी हाउ आई डिड द स्केचिंग पार्ट. सेकेंड बात कर लेते हैं कलर स्कीम की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पेंटिंग. सबसे अच्छा तरीका है, आपको कलर व्हील भी देखने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट द कलर स्कीम कि आपको कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, कौन से कलर साथ में अच्छे लगेंगे ना. तो गो ऑन गूगल एंड सर्च कलर पैलेट्स या कलर स्कीम्स, एंड जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं ना वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उनके पास एक कॉम्बिनेशन है कलर्स का. वो आप गूगल पे देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर स्कीम्स दिख जाएंगे. फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था कि ऐसी कलर स्कीम जिसमें पर्पल इंक्लूडेड हो, तो मैंने अपनी जो गूगल सर्च है उसमें इंक्लूड किया था कलर स्कीम या कलर पैलेट विद पर्पल. सो वो मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिखा देगा जो पर्पल के साथ मैं इंक्लूड कर सकती हूँ अपनी पेंटिंग में. सो दैट इज़ द बेस्ट वे. अगर आपको नहीं पता कि आपको कलर स्कीम कैसी यूज़ करनी चाहिए अपनी पेंटिंग में, तो ये चीज़ ट्राई करके देखना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है. क्योंकि जब हम खुद से सोचते हैं ना कलर्स, तो हमें नहीं पता लगता कि कौन से कलर्स कभी कभी साथ में अच्छे लगेंगे या नहीं. बट आप अगर एक सेट कलर पैलेट को फॉलो करोगे तो आपके कलर्स ज़रूर ज़रूर साथ में अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो सोच के बनाए हुए होते हैं और वो कलर स्कीम्स पर बेस्ड होते हैं. सो दिस वॉज अबाउट दी कलर स्कीम, दैट्स हाउ आई चोज द कलर्स फॉर दिस पेंटिंग. तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कलरिंग कैसे करी.
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी इस पेंटिंग को बनाने के लिए वो थी कि जो स्ट्रेट लाइन्स हैं उनको पेंट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप स्ट्रेट लाइन कर रहे हो एंड थोड़ा सा हाथ हिल जाता है तो पूरी लाइन टेढ़ी हो जाती है। स्ट्रेट लाइन इन जनरल पेंट मतलब ड्रॉ करना ईजी है, बट देन उसको पेंट करने में थोड़ा डिफिकल्ट मुझे भी लगता है, स्पेशली ऑन कैनवस। तो आई हैव सीन पीपल यूजिंग मास्किंग टेप और मास्किंग टेप या किसी भी तरह की टेप जो ऐसे बड़े बड़े कैनवसेज होते हैं उस पर स्ट्रेट लाइन्स बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं मास्किंग टेप। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी यूज़ करके देखती हूँ, एंड थैंकफुली मेरे पास थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करने का ट्राई किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया तो मैंने उसको जो भी मेरे शेप्स थे उसमें लगाया, बट देन इट डिड नॉट गिव मी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मास्किंग टेप वाली चीज़ थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि जैसा आपने देखा कि जैसे मैंने उसको रिमूव किया तो जो लाइंस हैं वो इतनी क्लीन नहीं आई थी, बिकॉज जो कैनवस होता है उसमें काफ़ी सारा टूथ होता है कैनवस का, तो वो जो पेंट है वो टेप के नीचे से अंदर अंदर घुस गया एंड वो पूरी क्लीन एक स्ट्रेट लाइन नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यूज़ करना बेकार ही है, बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए मैं इसको यूज़ कर रही थी वो तो हो ही नहीं पा रहा। एंड बीच बीच में मैंने स्केल का भी यूज़ किया है टू चेक कि मेरे जो लाइन है वो स्ट्रेट है कि नहीं। इसके बाद एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये है कि इसे मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की। अब आप इस पेंटिंग में देखोगे कि जो चैलेंजिंग टास्क ये है कि कोई भी दो कलर्स सेम मतलब साथ साथ नहीं आ सकते थे, बिकॉज अगर ऐसा होता तो वो शेप दिखती ही नहीं जो मैंने बनाई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करी ऑल दो, बट स्टिल आई वॉज एबल टू गेट दैट रिज़ल्ट कि मैं साथ वाले बॉक्सेस साथ वाले शेप्स में सेम कलर ना करूं। एंड ये इसलिए भी था क्योंकि मेरे पास 5 कलर्स थे तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं यू नो ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बिना ज़्यादा प्लानिंग के वो चीज़ अचीव कर लूँगी, साथ साथ वाले बॉक्सेस में सेम कलर नहीं करना पड़ेगा। सो या दैट वाज अबाउट दैट। एंड अगर ऐसी पेंटिंग कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी इस चीज़ की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके सेम कलर्स साथ साथ वाले बॉक्सेस में ना आए। कलर्स हैं वो पूरे कैनवस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मोस्टली, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर एक कलर कॉन्सेंट्रेटेड है, पर्पल एक इस कॉर्नर में ज़्यादा है, इस कॉर्नर में येलो ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आई हैव ट्राइड टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दी कलर्स ऑन दी कैनवस। सो यार चलिए लेट्स कंटिन्यू पेंटिंग। Thank you.
एक चीज़ मेरे को और बतानी थी, बिकॉज मेरे पास पर्पल कलर नहीं है एंड इसमें बहुत ज़्यादा पर्पल यूज़ हुआ है, सो वो भी एक डिफ़िकल्टी मुझे आई क्योंकि मुझे पर्पल मिक्स करना पड़ा कई बारी, एंड बिकॉज मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है तो मुझे काफ़ी सिमिलर कलर में आई वॉज एबल टू मिक्स, बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है कलर मिक्सिंग की तो आई वुड सजेस्ट कि एक मतलब पहले से कलर होना चाहिए जिसको मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे येलो ऑलरेडी मेरे पास था, मेरे पास ऑरेंज में भी मैंने येलो थोड़ा सा मिक्स किया उसको टोन डाउन करने के लिए, सो ऑरेंज चलो ठीक है मान लेते हैं। एंड इसके बाद ग्रीन भी मेरे पास एग्जैक्ट टोन नहीं थी एंड पर्पल वाली भी मेरे पास एग्जैक्ट टोन नहीं थी, सो मुझे बार बार इनको मिक्स करना पड़ रहा था एंड दैट वॉज अ स्ट्रगल। एंड एक रिलिक्स की ये बात है कि आप बहुत ज़्यादा कलर मिक्स करके भी नहीं रख सकते हो बिकॉज वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कलर ही मिक्स करना पड़ रहा था। सो हल्का हल्का कहीं कहीं डिफरेंस है बट आई थिंक दैट इज़ लुकिंग गुड। पॉइंट के बाद मेरे कैमरे का चार्जिंग ख़त्म हो गया एंड इसके बाद की रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, एंड ऑल्सो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा वैसा वाला काम था कि रिफ़ाइन करनी थी लाइंस और ये वो, सो मेरा कोई इतना मन भी नहीं था कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं क्योंकि वो आप ऐसे एकदम यू नो इसे ध्यान से घुस घुस के पेंटिंग में आपको रिफ़ाइन करनी पड़ती है एंड ऐसे मैं दूर से पेंटिंग नहीं कर सकती थी, उसको वैसे भी रिकॉर्ड करना मुश्किल था, सो मैंने इसके बाद का पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड फाइनल पेंटिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो बट स्टिल आई विल शो यू कि पेंटिंग फाइनली कैसी लग रही है। दिस इज माय पेंटिंग एंड सॉरी, सो दिस इज द पेंटिंग। ऑल्दो ये उल्टी लग रही है अभी इस टाइम क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ वीडियोस। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन समथिंग लाइक दिस। आई रियली एंजॉयड दिस न्यू काइंड ऑफ आर्टवर्क एंड पहले मुझे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह इतना पसंद नहीं है, अभी भी पसंद नहीं है, बट इसको करने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड आई हैव गेन सम एक्सपीरियंस कि यू नो आप कलर स्कीम पे वर्क करोगे तो काफ़ी यू नो अच्छा एक आर्टवर्क बन सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए इस पेंटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को या करने को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में एंड कुछ कुछ चीज़ें पता लगी होंगी नई जो कि मुझे खुद नहीं पता चली, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पेंटिंग कैसी लग रही है बिकॉज मुझे अच्छी लग रही है बट आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसी लग रही है बिकॉज ज़्यादातर लोगों को स्टार्ट आर्ट उतना पसंद नहीं होता। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब येट, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।